नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे आज नीमच जिला चिकित्सालय का दौरा करने पहुंचे। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने SNCU महिला वार्ड और डायग्नोसिस सेंटर स्वच्छता पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश वहां पर मौजूद रहे सिविल सर्जन व CMHO को दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अचानक कलेक्टर के दौरे के कारण जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने काफी देर तक जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया व व्यवस्थाओं को समझा। इस दौरान नीमच जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने डायग्नोसिस सेंटर का दौरा किया व वहां पर मौजूद मरीजों से चर्चा की, जिन्होंने व्यवस्थाओं को काफी संतोषजनक बताया। साथ ही डायग्नोसिस सेंटर की सुविधा से नीमच जिले में हो रहे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार व आर्थिक लाभ के बारे में जानकारी भी दी। तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है? नहीं, अभी हाल ही में हमने डायलिसिस सेंटर को अपग्रेड किया है। यहाँ पे बहुत सारा सिविल वर्क किया है, यहाँ पे एक वेटिंग रूम भी बनाया है और नई मशीनें भी लगाई। इसका उद्घाटन पिछले एक महीने में हुआ था। इसका संचालन हम लोगों ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा किया है, तो उसी की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैंने आज विजिट किया। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे पेशेंट्स का खुद का अच्छा फीडबैक है और उनको लग रहा है कि इस सुविधा के आने से पूरे शहर के डायलिसिस पेशेंट्स को काफ़ी निजात मिला है। और जो पेशेंट्स अभी बाहर जाते थे वो अब सारे यहीं जा रहे हैं और काफ़ी रियायती दरों पर इनको यहाँ पर इलाज दिया जा रहा है। और बहुत उच्च क्लास की मशीनें हमने लगाई हैं, तो इसका जो पूरी व्यवस्था का जो फ़ायदा है वो हमारे नीमच के सारे शहर के जिलेवासियों को मिले। इसी कारण से मैंने आज एक निरीक्षण किया और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। वैसे जिला चिकित्सालय में भी पार्किंग व्यवस्था बिगड़ रही है, मरीज एम्बुलेंस आती तो जगह नहीं मिलती एम्बुलेंस आने को। मैं अभी आज बैठक करूँगा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ और इसको भी रिजॉल्व करेंगे।